जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तभी क्या होगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, सेविंग को एस से डिनोट करते हैं, टैक्सेस को टी से, इम्पोर्ट्स को एम से, ठीक है, इम्पोर्ट्स को एम से, और इन्वेस्टमेंट को आई से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को जी से, एक्सपोर्ट को एक्स से। ठीक, इफ द स्टेट ऑफ द सम ऑफ द टोटल लीकेज डज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द टोटल इंजेक्शन, इट विल रिजल्ट इन डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम कैन बी शोन एज सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इम्पोर्ट्स इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट, यानी एस प्लस टी प्लस एम इज नॉट इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एक्स। ठीक, तो अभी तक हम लोग पढ़ लेते इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता था, जो टोटल, जब टोटल लीकेज टोटल इंजेक्शन के इक्वल होता था हमारी इकोनॉमी में, तो वो इक्विलिब्रियम लेवल होता था। ठीक है, और डिस इक्विलिब्रियम लेवल में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट मतलब जब हमारे टोटल इंजेक्शन टोटल लीकेज के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, या टोटल लीकेज और टोटल इंजेक्शन में कुछ डिफरेंसेज आएंगे, तो वो हमारा कौन सा स्टेट होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अब ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, एक इंजेक्शन में क्या आता है, सेविंग आते हैं, टैक्सेज आते हैं, इंपोर्ट्स आते हैं, ठीक है, और सॉरी लीकेज में क्या आता है, सेविंग आते हैं, टैक्सेज आते हैं, इंपोर्ट्स आते हैं, और इंजेक्शन में क्या आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आता है।